हेलो एवरीवन, आज का जो लेक्चर है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर है। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज़ बोहर्स मॉडल। बहुत क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर जेईई या नेट के क्वेश्चंस देखे हैं तो आपको पता होगा कि बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन एक्चुअली सिंपल होते हैं, बट एग्जाम में प्रॉब्लम ये होती है कि या तो हमें फॉर्मूला याद नहीं होता या हमें कंसेप्ट आधा अधूरा पता होता है, जिसकी वजह से जो है क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आज का जो वीडियो है, बेसिकली मैंने ये दिमाग में रख के बनाया है कि इस वीडियो के अंदर आपको सारे के सारे बोहर्स मॉडल के कंसेप्ट जो है वो कम समय के अंदर रिवाइज किए कराए जा सके, ठीक है, जिससे आपका समय भी बचे और आपको फालतू और कहीं जो है वीडियो वगैरह या कुछ भी और जगह परेशान होने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अच्छा, इससे पहले कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, बिकॉज आपका एक लाइक जो है वो मुझे बहुत उत्साहित कर सकता है, करता है, कर से नहीं सकता है, करता है। तो पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, सबसे पहला कंसेप्ट जो हम उठा रहे हैं, दैट इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल, ठीक है। देखिए, बोहर ने क्या कहा, बोहर ने कहा कि न्यूक्लियस के अराउंड बहुत सारी ऑर्बिटल्स ऑर्बिट होती है, नॉट ऑर्बिटल, ऑर्बिट होती है, जिनको आप शेल कह सकते हैं। ओके, और ये जो शेल्स होती हैं इनको आप डिनोट करते हो एन से। तो न्यूक्लियस की जो सबसे नजदीक वाली शेल होगी उसको आप एन वन कहेंगे, फिर एन टू, एन थ्री, एन फोर, मतलब जैसे जैसे आप दूर जाएंगे वैसे वैसे नंबर बढ़ता जाएगा, एन वन, एन टू, एन थ्री। ओके, ऑब्वियसली वो नंबर में होती है शेल। तो बोहर ने जो सबसे पहली बात बोली वो ये थी कि भाई अगर आपका इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में, सपोज कीजिए यहाँ है, एन थ्री में है, तो आप उसकी एनर्जी कैसे निकालेंगे। तो पहला फॉर्मूला जो हमारे पास है, अच्छा आपको क्या करना है बेटा, जब भी आप वीडियो देखना स्टार्ट कर रहे हैं कॉपी और पेन के बिना आपने नहीं बैठना, ठीक है। जो जो मैं यहाँ बातें बता रही हूँ आपको सारी नोट करनी है, बिकॉज फायदा तभी है जब आप उसके नोट बना रहे हैं, शॉर्ट नोट बना रहे हैं, वरना आपको आज आपने देखी वीडियो और पल छू मंतर, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए साथ साथ नोट बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, हाँ जी, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनएच शेल, किसी भी एनएच शेल में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या होगा। ओके, तो इसके लिए आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी आंसर निकाल सकते हैं, अपना जूल में भी निकाल सकते हैं। मैं पहले जूल में लिख रही हूँ, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनएच, एन मतलब शेल नंबर है, दैट विल बी -2.18 × 10⁻¹⁸ इंटू जेड स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर जूल पर एटम। ये वैल्यू जूल में है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब इसके अलावा क्या है, अगर आपको एनर्जी, कई बार ऐसा होता है कि जूल में नहीं दी होती, इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी होती है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में बेटा जो एनर्जी हो जाएगी वो जाएगी -13.6 इंटू जेड स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ध्यान रखना आपने कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूछा जा रहा है या जूल पूछा जा रहा है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ जूल ये वैल्यू आएगी और इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये वैल्यू आएगी। ओके, चलिए फर्स्ट एनर्जी के बाद डिस्कस कर लेते हैं कि एनर्जी नेगेटिव लिखी है, जैसे आप फॉर्मूला देख रहे हैं कि मैंने एनर्जी इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव लिखा है, ये क्या चक्कर है। देखो ध्यान से देखना, मान लो आपका इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, अभी आया ही नहीं, अभी आना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वहीं दूर बैठा है, अभी वो घर से बाहर है, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपका इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पे है, अब इन्फिनिटी का क्या मतलब है, देखिए इन्फिनिटी का मतलब सिर्फ इतना है कि इतना दूर बिठाना है आपने इलेक्ट्रॉन कि आपके इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में कोई भी संबंध ना हो, आई मीन कोई अट्रैक्शन ना हो, कोई रिपल्शन ना हो, इतना दूर बिठाना है। जब दो चीज़ें बहुत दूर होती तो ऑब्वियसली उनमें कोई अट्रैक्शन और कोई रिपल्शन हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो फील्ड में ही नहीं आया, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि जब आपका इलेक्ट्रॉन एट इन्फिनिटी पे है, एट इन्फिनिटी पे है, तो उसकी जो एनर्जी है वो जीरो है। तो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा आपको क्या करना है कॉपी पे, कि एट इन्फिनिटी द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंसीडर टू बी जीरो, कंसीडर करके चला है वो पहले से। ओके, अब जैसे जैसे आपका इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा वैसे वैसे क्या होगा, ऑब्वियसली वो न्यूक्लियस के फील्ड में आ रहे हैं और नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट ईच अदर, तो यहां पे होगी अट्रैक्शन और इस अट्रैक्शन में कुछ एनर्जी रिलीज होगी,
क्योंकि whenever there is attraction, there is always release in energy. ये भी नोट कर लो. तो अट्रैक्शन होगी और एनर्जी रिलीज होगी. सही बात ना. अब देखिए रिलीज मतलब कम होनी है, रिलीज का मतलब कम हो रही है. ठीक है. अब उसके तो बेचारे की पहली जीरो है, तो अब ये तो वही बात हो गई कि आपके अकाउंट में जीरो रुपीज है. भगवान ना करे, पर एग्जाम्पल ले लेते हैं. ठीक है, बुरा भी मानिए एग्जाम्पल है. तो अगर आपके खाते में जीरो रुपए हैं, जीरो पैसा है और दस रुपए निकाल लिए, तो भैया अब आपके पास कितने बचे? ठीक है, माइनस टेन ही हुए. वैसे ऐसा होता नहीं है बैंक में, जीरो जीरो से ज्यादा कम नहीं हो सकता, बट यहाँ हो सकता है. तो एनर्जी अगर ऑलरेडी जीरो है बेटा इन्फिनिटी पे, और जब आप न्यूक्लियस के नजदीक लाओगे इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव न्यूक्लियस के बीच में हो जाएगी अट्रैक्शन, और इस अट्रैक्शन में होगी एनर्जी रिलीज. ओके, और क्योंकि पहले ही जीरो है तो अब कितनी हो सकती है? नेगेटिव हो जाएगी. इसीलिए द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अवर एटम इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव वैल्यू. अच्छा, एक और बात देखिए, जैसे जैसे आप नजदीक आते जाएंगे, जैसे जैसे आप नजदीक आते जाएंगे, वैसे वैसे नेगेटिव वैल्यू और नेगेटिव होगी. क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी. या आप यहां से भी देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम बढ़ेगा, ठीक है, ये सारा वैल्यू जो है उस ज्यादा मोर नेगेटिव हो जाएगा. तो सॉरी, जैसे जैसे एन कम होगा वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा. तो जैसे जैसे आप अंदर की तरफ आ रहे हैं, वैसे वैसे एनर्जी क्या करेगी? मोर नेगेटिव हो जाएगी. द एनर्जी विल बिकम मोर नेगेटिव. इस बात का मतलब समझने क्या है? इस बात का मतलब ये है, देखिए जितना ज्यादा नेगेटिव एनर्जी होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का एनर्जी नेगेटिव होगा, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन उतना टाइटली बाउंड है न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस से वो इतनी ज्यादा जो है अट्रैक्टेड है. ठीक है, तो मोर एनर्जी मोर नेगेटिव का मतलब क्या है? मोर टाइटली बाउंड, उतना जो है वो स्ट्रांगली, स्ट्रांगली जो है टाइटली का स्पेलिंग नहीं आ रहा है. ठीक है, वैसे मेरा स्पेलिंग वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा सा कमजोर है, थोड़ा नहीं एक्चुअली बहुत ज्यादा कमजोर है. मोर स्ट्रांगली बाउंड टू द न्यूक्लियस, ये इसका मतलब है. इस पॉइंट को भी आप साइड में लिख लेना. तो क्या बात सीखी हमने? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आप किस में निकाल सकते हैं? जूल में भी निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी निकाल सकते हैं. ठीक है. अच्छा, इसके अलावा जैसा कि आप देख रहे हैं एनर्जी जो है मोर नेगेटिव हो रही है इस तरफ, तो आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं क्या, कि ई वन हमेशा छोटा होगा ई टू से, ई थ्री ई फोर, मतलब जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं एनर्जी इंक्रीज कर रही है. ओके, चलिए. अच्छा, एक बात आपको ध्यान रखनी है क्या, कि हाइड्रोजन एटम के अंदर, अच्छा पहली बार तो हो चुकी है, आपने एक बात ध्यान रखनी बेटा, जो बोहर का मॉडल है ना वो हर एटम के लिए नहीं है. ऐसा नहीं कि आपने किसी भी रेंडम एटम के लिए लगा दिया. बोहर का मॉडल ध्यान सुनिएगा, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल के लिए है. अब ये क्या मतलब हुआ हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल? मतलब ऐसा पार्टिकल जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी कहते हैं इसे. दिस इज ओनली फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम. अब वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में आप किस किस को ले सकते हैं? हाइड्रोजन को ले सकते हैं, हीलियम प्लस को भी ले सकते हैं, लिथियम टू प्लस को भी ले सकते हैं. मतलब कहने का मतलब है कि भाई उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, चार्ज बार चार्ज मुर्जी होता है. ओके, चलिए. इसके अलावा आपने एक और पॉइंट रखना है इसी के अंदर यार, कि जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है बेटा, वो हमेशा माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है. मतलब जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी उसका माइनस होती है. एक तो आपको ये ध्यान रखना है. ऊपर से आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन ही होता है. माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी ओवर टू. यकीन मानिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये भी यकीन मानिए कि बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आता है तो गलत होने के चांसेस है, अगर आप इग्नोर करने वाले हैं तो नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब अब देखो इतना है कि मैंने लाल पेन से इंपॉर्टेंट ही लिख दिया, तो सोचा कि तो इंपॉर्टेंट होगा. ठीक है, वैसे जो भी बताया जा रहा है सब कुछ इंपॉर्टेंट ही है. नाउ इसके बाद आपको जो नेक्स्ट करना है वो है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट. किसी भी nth ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा, यानी कि न्यूक्लियस से जब आप आगे की तरफ जाते हैं तो रेडियस क्या होगा? ये वाला जो डिस्टेंस है उसको रेडियस होता है. आपको इतना सीधा सा बात समझ आ रहा है कि जैसे जैसे आप शेल नंबर बढ़ाएंगे रेडियस बढ़ेगा ऑब्वियसली. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एनर्जी जो है वो जेड ओवर एन स्क्वायर का प्रोपोर्शनल है. तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं बात क्या, एक और पॉइंट लिख लीजिए लगे हाथ,
कि जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/n2। इसका क्वेश्चन आया है जेई 2020 या 21 के अंदर आया हुआ है, मैं देख के बता दूंगी कब आया है। 21 के अंदर मेरा क्वेश्चन आया हुआ है और आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, इसे भी नोट कर लो कि एनर्जी हमेशा 1/n2 ही होगी। एन का जो रिलेशन है ना, चाहे वो एनर्जी के साथ हो, चाहे रेडियस के साथ हो, चाहे मोमेंटम के साथ हो, चाहे वेलोसिटी के साथ हो, सबका आर हम निकाल देंगे। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या रखते हैं, हम चित्र बना रखा है, चित्र को नहीं छेड़ते ही, ठीक है, या छेड़ ही देते हैं, चलो अब तो चित्र की कोई जरूरत नहीं है, आप समझ ही गए। तो अगला पॉइंट आपको याद रखना है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट डिनोट करते हैं बेटा इसको आर एन से, छोटा आर से डिनोट करना आपने इसे। ठीक है, और दैट इज आर एन इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर ओवर जेड एंगस्ट्रॉम, यूनिट के साथ याद रखना है एंगस्ट्रॉम। यहां से कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आपको समझ आ रहा है, क्या समझ आ रहा है कि जैसे जैसे छोटा आर होगा, सॉरी गलती से बोला छोटा आर था, विद भी बड़ा आर। चलिए, तो आपको समझना है यहां से क्या कि जो आर एन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर, जितने भी एन के रिलेशन है ना, रेडियस वेलोसिटी एंगुलर मोमेंटम, भाई वो तो रख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आर एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट रिलेशन है आपके पास, अच्छा यहाँ पे जो 0.529 है इसको एक्चुअली अगर आप एन का वैल्यू 1 रख रहे हैं, यानी कि आप फर्स्ट एन की बात कर रहे हैं, ठीक है, और आप हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं तो Z तो बन हो जाएगा, Z एटॉमिक नंबर है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा मैं आपसे मैं बताना भूल गई, ध्यान दीजिएगा कि N बेटा शेल नंबर है और जो Z है वो एटॉमिक नंबर है, वैसे आपको पता ही होना चाहिए, केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं आप, ठीक है, एटॉमिक नंबर है और शेल नंबर है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि जो 0.529 है एक्चुअली रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट है, रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, जो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है उसकी क्या वेलोसिटी होगी, डिनोट करते हैं इसको vn से, दैट इज 2.18 × 10⁶, 2.18 × 10⁶ जेड ओवर एन, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, 2.18 आएंगे मीटर पर सेकंड के हिसाब से लेना आपने, मीटर पर सेकंड, तो 2.18 × 10⁶ जेड ओवर एन। अच्छा यहां से आप एक बात समझ गए हैं क्या कि जो वेलोसिटी होती है वो एन के कैसे रिलेटेड है, समझ ही आ रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट्स इट, वेरी गुड, मतलब वेरी गुड टू मी। ओके चलिए नेक्स्ट है आपके पास द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड, ओके कितनी रेवोल्यूशन होंगी एक सेकेंड में, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन जो मैं आपको जे 2021 का क्वेश्चन बता रही हूँ, सारे जो है किसी से पॉइंट रिलेटेड आए हुए हैं, मतलब एक क्वेश्चन आया जैसे सारा मिला दिया उसने, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड, तो इसको आपने डिनोट करना है वी एन, अच्छा वी एन ओवर 2πr, वी ओवर 2πr होता है वैसे, वी ओवर 2πr, अगर एन एच आर की बात कर रहे हैं तो एन लगा लीजिए, वी एन ओवर 2πr एन, और ये होता है 0.657 × 10⁻¹⁶, 0.257 × 10⁻¹⁶ जेड स्क्वायर ओवर एन क्यूब। ठीक है, एन है ये, ऐसे लगता है बच्चों को, पर ये एन है। अगेन यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, एक चीज ध्यान रखनी है क्या कि जो वी एन है बेसिकली जो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकंड है वो किसके प्रोपोर्शनल है, जेड ओवर जेड स्क्वायर ओवर एन के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, चलिए इसके बाद बात आती है, एक कंसेप्ट आता है दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। अभी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या मतलब होता है इस बात का ध्यान समझिएगा। देखिए इलेक्ट्रॉन आपका किसी ऑर्बिट में है, ठीक है, आराम से जो है वो आराम फरमा रहा है, ये रहा आपका इलेक्ट्रॉन एन वन में, ठीक है,
मतलब देखिए, अगर आप हाइड्रो, अगर आप बोहर मॉडल की बात कर रहे हैं ना, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम की अगर आप बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा एन1 में होगा। क्यों? कि भाई एक ही इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस पोजीशन को एक्वायर करेगा जहां एनर्जी लीस्ट है। वो आगे हम अगले वाले लॉ में पढ़ेंगे, आगे जिसने भी महाजन ने बताया था, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा उस पोजीशन को एक्वायर करेगा जहां एनर्जी सबसे कम है। भाई हर बंदा स्टेबल होना चाहता है, सेम गोज फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, जब आप वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात कर रहे हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा कि वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में बेटा ये जो मैंने लिखे हुए हैं, इनमें जो ग्राउंड स्टेट होगी, अच्छा मैं आपको बात बताती हूँ कि ग्राउंड स्टेट क्या होगी। देखिए, ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है कि ओरिजिनली इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा। अब ओरिजिनली इलेक्ट्रॉन वही होगा जहाँ एनर्जी सबसे कम है, यानी कि एन1 में, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एन1 में भर गए, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जब भी ग्राउंड स्टेट की बात आती है तो आपको ग्राउंड स्टेट क्या माननी है, ग्राउंड स्टेट हमेशा आपको माननी है एन वन, हमेशा ध्यान रखिएगा एन वन, एन इक्वल्स टू वन इज द ग्राउंड स्टेट। किसके लिए? फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, यानी कि बोहर मॉडल के लिए। ओके, तो आपका इलेक्ट्रॉन एन वन में है, आराम से आराम कर मार रहा है आपने। अच्छा देखिए, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अच्छी खासी अट्रैक्शन होगी, ऑब्वियसली होगी, अट्रैक्शन होगी बीच। आपने क्या करना है, आपको इतनी एनर्जी लगानी है कि आप इस इलेक्ट्रॉन को एटम से ही भगा दो, मतलब आपने इसको उठाना है और इन्फिनिटी पे रख देना है। आपने इसको इसके घर से उठाना है और इन्फिनिटी पे रख देना है। अब आपको पता है इन्फिनिटी में एनर्जी जीरो होती है वैसे, ठीक है। तो आपने इसको इन्फिनिटी पे प्लेस कर देना है, और इन्फिनिटी पे जो एनर्जी है वो जीरो होती है, चलिए तो अलग बात है। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को उसके ग्राउंड स्टेट से उठाने के लिए और उसको इन्फिनिटी पे प्लेस करने के लिए। उसको आपने अलग शेल में नहीं डालना है, उसको आपने घर से ही निकाल देना है, ठीक है, एटम से ही निकाल देना है। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी होगी फाइनल जो जहां पे इलेक्ट्रॉन गया उसका एनर्जी, और जहां पहले था इलेक्ट्रॉन उसका एनर्जी। ओके, तो फाइनली इलेक्ट्रॉन कहां गया है, इन्फिनिटी पे गया है, और पहले कहां था, पहले वन पे था, समझ रहे हैं बात। अब इन्फिनिटी में एनर्जी जीरो होती है, ये तो हमने पहले अजम्पशन लगा रखा है। तो यानी कि जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो एक्चुअली माइनस ऑफ ई1 होगी। ओके नाउ, क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी में एनर्जी जीरो होती है। ध्यान दीजिएगा कि आयनाइजेशन एनर्जी में आप इलेक्ट्रॉन को फिर ग्राउंड स्टेट से उठाते हो और इन्फिनिटी पे पटक देते हो। ओके चलिए, ये वही वाला केस है ना कि कई बार हम नाराज हो जाते हैं घर वालों से, तो कई बार ऐसा होता है कि कम नाराज होते हैं तो छत पे जाके बैठ जाते हैं नाराज होते हैं। मतलब बचपन में मैं तो करती थी, आई लोगों को काफी करते होंगे, ठीक है। पर कई बार ऐसा होता है कि जब आप ज्यादा नाराज हो जाते हो अपने बचपन में अपने घर वालों से, तो आप बोलते हो मैं घर ही छोड़ के जा रहा हूँ, तो आप घर से चले जाते हो, वही वाला काम होता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट टाइम हमारे पास एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द एन1 एंड एन2 एनर्जी का। देखिए, ये तो बात हो गई कि जब आपने इन्फिनिटी पे रखा, अब आपको इन्फिनिटी पे नहीं रखना, आपको घर से नहीं निकालना। मान लीजिए कि आपको किसी हाईर एनर्जी स्टेट में पहुंचाना है, ध्यान दीजिएगा कि ग्राउंड स्टेट जहां पे इलेक्ट्रॉन मौजूद है अपनी नॉर्मल फॉर्म में, एक्साइटेड स्टेट का मतलब है कि कोई भी, एक्साइटेड स्टेट का मतलब है कोई भी ऊपर वाली स्टेट, अब एन1 को छोड़ के जितनी भी स्टेट होगी वो एक्साइटेड होगी, ठीक है। ये N1 आपकी ग्राउंड स्टेट है, दिस इज N1 इज योर ग्राउंड स्टेट। बाकी अगर आप N2 देख रहे हैं या N3 देख रहे हैं या N4 देख रहे हैं, आपको एक और बात बताती हूँ ध्यान से मिला। अगर आप N2 की बात कर रहे हैं तो वो एक्साइटेड स्टेट है, और वो पहली एक्साइटेड स्टेट है क्योंकि अभी आप एक पड़ाव, आपने एक स्टेप आगे रखा है, तो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। मैं छोटा लिख देता हूं, दिख रहा है, दिख रहा होगा। एंड दिस इज कॉल्ड सेकंड एक्साइटेड स्टेट एंड दिस इज योर थर्ड एक्साइटेड स्टेट। यानी किस बात का मतलब क्या हुआ, ग्राउंड स्टेट तो N1 है, व्हाट इज योर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, दैट इज N=2। इसका भी क्वेश्चन आया हुआ है, बताऊंगी कैसे आया है। व्हाट इज द सेकंड एक्साइटेड स्टेट, दैट विल बी N=3, एंड सेम गोज ऑन, आगे बताने की जरूरत नहीं है। ओके चलिए, ये भी याद रखना, देखो इसे भी। अगला पॉइंट जो हमें कवर करना है, दैट इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू स्टेट। अब मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन जो है पहले यहां था N1 में, अब N4 में चला गया या कहीं और चला गया, तो किसी भी हायर एनर्जी स्टेट में अगर आपका इलेक्ट्रॉन चला गया तो उसमें जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो कैसे निकालेंगे। देखिए, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन N1 एंड N2, अभी N1 N2 क्या है ध्यान दीजिए,
रखेगा, बहुत बार ध्यान दीजिएगा, बोल दिया ठीक है, हरी होगी। एन वन आपकी ग्राउंड स्टेट होगी हमेशा, और एन टू आपकी कोई भी हाइयर एक्साइटेड स्टेट होगी। एन वन ग्राउंड स्टेट है, एन टू आपकी कोई भी हाइयर एक्साइटेड स्टेट हो गई है। ऐसा नहीं मानना कि एन टू टू ही है, ऐसा लगता ना बच्चों को बचपन में मतलब ग्यारहवीं बारहवीं में, ठीक है। एन टू हाइयर एक्साइटेड स्टेट है, ऐसा ये नहीं कि वो टू ही होगी ना, एन टू जनरल वर्ड है ठीक है, स्टेट कोई भी हो सकती है, दो तीन चार का कुछ भी। तो जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो क्या होगा, होगा डेल्टा टी, क्योंकि आपको पता है डेल्टा किसका सिंबल है, डिफरेंस का सिंबल होता है। दैट विल बी वन, सॉरी इट इज 13.6 इंटू जेड स्क्वायर वन ओवर एन वन स्क्वायर माइनस वन ओवर एन टू स्क्वायर। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर निकाल रहे हैं ठीक है, जूल में भी निकाल सकते हैं आप, जूल के अंदर ही आंसर हो जाएगा। डेल्टा ई हो जाएगा आपके पास 2.18 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 इंटू जेड स्क्वायर वन ओवर एन वन स्क्वायर वन ओवर एन टू स्क्वायर ठीक है। ये जूल में है, आपको जैसे सही करके आप वैसे निकाल लीजिए, दोनों फॉर्म मैंने आपको बता दी। याद रखना है आपने कि वेयर यहां पे एन वन हमेशा छोटा है एन टू से, ठीक है, एन टू तो एक्साइटेड स्टेट है, तो वेयर एन वन इज लेसर देन एन टू, मतलब छोटी चीज आपने पहले रखनी है, बड़ी चीज आपने बाद में रखनी है, याद रहेगा पहले छोटी चीज फिर बड़ी चीज ओके। चलिए नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है एंगुलर मोमेंटम। एक तरीके से जो मैं प्रीवियस क्वेश्चन जो देख रही थी, तो मैंने नोटिस किया कि ज्यादातर क्वेश्चन इस टॉपिक में से आए हैं, मैं ये नहीं कह रही किसी में से आएंगे किसी में से आते हैं, बट मैंने जो ऑब्जर्वेशन रही, ऑब्जर्वेशन रही, हो सकता है कि मैंने ऐसे क्वेश्चन पेपर उठाए हैं जिनमें यही था या कुछ भी हो सकता है, बट एक बात होता है कि अगला पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, तो ज्यादातर बच्चों को ये नहीं पता होता, पता नहीं होता मतलब भूल जाते हैं ठीक है। एंगुलर मोमेंटम तो हमें पता है, तो एंगुलर मोमेंटम आपका होगा एम वी आर मतलब रेडियस वाला एन एच ओवर टू पाई, ये आपका हो गया एंगुलर मोमेंटम एन ए एन ओके। जहां पे m मास है, v वेलोसिटी या रेडियस है, इस पूरे को एंगुलर मोमेंटम कहते हैं वैसे, तो एंगुलर मोमेंटम जो है आपका वो n h ओवर 2 पाई के इक्वल है। n शेल नंबर है, h जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है, h जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, बहुत ही जनरल सा कांस्टेंट है, आपने केमिस्ट्री में बहुत बार पढ़ा होगा, इट इज 6.626 इनटू 10 टू द पावर माइनस 34 ठीक है, 6.626 इनटू 10 टू द पावर माइनस 34 यूनिट के साथ याद करेंगे जूल सेकेंड, तो ये आपको ध्यान रखना है। टू पाई का तो मतलब आपको बताइए ओके, दिस अ वर्क फॉर्म, एक अनदर फॉर्म भी है एक्चुअली, वो डी ब्रोगली रिलेशन भी है। अच्छा यहां से आपको एक बात समझ आ रही है क्या, कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन के ओके। अच्छा अगला जो फॉर्मूला है जिसकी मैं बात कर रही थी, अच्छा इसे पहले सॉल्व कर लेते हैं ठीक है बेटा। ध्यान रखना कि h ओवर 2 पाई को h क्रॉस भी कहते हैं, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, h क्रॉस क्या होता है, बस सिंपल सी बात है, h क्रॉस कहते हैं बात खत्म। तो यानी कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो n ओवर h क्रॉस है, ये भी आप कह सकते हैं ठीक है। एक और फॉर्म है इसके अलावा, दैट इज एक और डी ब्रोगली रिलेशन है एक्चुअली, ये वेवलेंथ डी ब्रोगली वेवलेंथ मैं ऐसे दे देती हूं, रिलेशन बिटवीन डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड शेल नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल नंबर एन, डी ब्रोगली वेवलेंथ और शेल नंबर के बीच में क्या रिलेशन है, जिस फॉर्मूले की मैं बात कर रही थी यही है वो। मेरे अकॉर्डिंग तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मैंने ट्रेंड देखा है उसमें बहुत पूछा गया है, बहुत ज्यादा ठीक है। तो पहले नहीं पूछा जाता था, आई गेस अभी पूछने लगे हैं इस क्वेश्चन को ज्यादा ठीक है। क्या है रिलेशन, 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा, जहां पे लैम्डा क्या है, ऑब्वियसली वेवलेंथ है, लैम्डा वेवलेंथ है, एन शेल नंबर है, ऑर्बिट नंबर जो भी कर लीजिए आर रेडियस है, 2 पाई आर इज इक्वल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। इस वीडियो को अच्छे से देख लेना, अगले वाले वीडियो में जो है हम इसके क्वेश्चंस करने वाले हैं ठीक है, और अच्छे से रिवाइज कर लेना ताकि आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन कर पाएं।